फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या कर रहे हो, कितने दिनों से यहाँ आ रहे हो और आप यहाँ कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ? हम यहाँ अकाउंट्स के बोर्ड्स के पेपर जो है लास्ट के 10 ईयर्स के, वो सॉल्विंग करने के लिए आ रहे हैं। हम पूरे सब लोग आते हैं सॉल्विंग के लिए, पेपर सॉल्विंग के लिए। तो हमें पहले ऐसा लगता था कि पेपर विदाउट ऑप्शन जो है अकाउंट्स का, वो हमें 3 आवर्स में सॉल्व करना पड़ता था, 3 आवर्स में ही हो जाता था। पर अब ऐसा होता है कि पेपर सॉल्विंग के बाद हमें पूरा विथ ऑप्शन हम 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं पूरा पेपर, और वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हम पूरा पेपर 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब लग रहा है आप ये बोल रहे हो कि ऑलमोस्ट 120 मार्क्स का पेपर होता है, तो वो पूरा का पूरा आप 2 आवर्स में सॉल्व कर लेते हो, ऐसा ही आप बोल रहे हो? हाँ, हम पूरा एक 120 मार्क्स का पेपर 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं विद ऑप्शन जो रहते हैं क्वेश्चन, विद ऑप्शन। हाँ, और पहले आप कितने टाइम में करते थे विदाउट ऑप्शन? सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर, सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर विदाउट ऑप्शन हम पहले 3 घंटे में कर लेते थे, पर कैसे तो टच कर लेते थे। पर अब ऐसा होता है कि पूरा 2 घंटे में सॉल्व हो जाता है विद ऑप्शन, इसलिए बहुत फायदा हो रहा है हमें। आज आप लोग का किसका पेपर 2 आवर्स के आसपास सॉल्व हो जाता है विद ऑप्शन, रेज योर हैंड। जिसका हो जाता है वही बस रेज करें हैंड। माय गॉड। और अच्छा, टैली के साथ आप 2 आवर्स में कर रहे हो कि बस ऐसे लिख दिया है? टैली के साथ। माय गॉड। सो इसके ऊपर आप कोई एड ऑन करना चाहेगा कि या ये कैसे हो पा रहा है, मतलब कि आपको भी भरोसा नहीं था, आज भी हम जब आपके जूनियर्स को बोलते हैं तो बोलते हैं कुछ भी बोलना है क्या, तो इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? सच में होता है कि अगर हमने प्रैक्टिस की है इधर आके 2 घंटे बोर्ड्स के पेपर सॉल्व करने की, तो 2 घंटे में पूरा विथ ऑप्शन हो जाता है हमारा सॉल्व। आज कितने दिन हो गए आप बताओगे? आज हमारे यहाँ 8 दिन हो गए बोर्ड पेपर सॉल्व करते हुए। अपन सैटरडे संडे सब आते हैं? हाँ सर, सब आते हैं, सैटरडे संडे आते हैं, हम 7 डेज ऑफ द वीक आते हैं। इस कंसेप्ट में इतने लोगों को लाना और इस प्रकार का एक्टिविटी करने में सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का था? ये 3000 रुपीज़ के बारे में कोई बोलना चाहेगा? 3000 रुपीज़ का कंसेप्ट ऐसा है कि हम 3000 रुपीज़ पहले भरेंगे क्लास को, फिर 9 डेज आएंगे तो हमें वापस रिफंड मिल जाएगा वो। अगर हमने वो नहीं किया होता तो बहुत सारे लोग आते ही नहीं। अच्छा, तो आप ये बोलना चाहते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के कंसेप्ट के कारण यदि 3000 रुपीज़ रिफंडेबल अमाउंट नहीं होता तो इतने लोग क्लास को आते ही नहीं पेपर सॉल्विंग के लिए। वेरी गुड। लेकिन आप ये बताएंगे क्या ये आज आपका कौन सा डे है और कितने पेपर सॉल्व कर चुके हो? आज हमारा 8 डे और 8 पेपर सॉल्व हो गए। पर सबसे मेन मुझे बात जो बोलनी है वो कि टाइम का, क्योंकि मेरा प्रीलिम का पेपर अकाउंट्स एडमिशन का सम था ना, वो मुझे 45 मिनट्स लगे थे, तो वहीं पे मेरे सब चला गया था कि पेपर कंप्लीट नहीं होने वाला, डिप्रेशन में चला गया था। आज मेरा 20 मिनट्स में सम हो गया है पूरा, और 2 आवर्स में पूरा पेपर विथ ऑप्शन हो गया, तो उसके वजह से बहुत अच्छा लगा। एक और इशू जनरली स्टूडेंट फाइंड करते हैं कि वो बैलेंस शीट या कि पूरे के 12th के सभी टॉपिक्स में क्या प्रॉब्लम आता है कि वो टैली नहीं कर पाते हैं, राइट? हर टॉपिक में, चाहे वो NTC हो या कि NPO जिसको आप बोल रहे हो, या कि आप फाइनल अकाउंट्स बोलो पार्टनरशिप का, या कि आपका एडमिशन रिटायरमेंट हो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ चीज़ टैली करना रहता है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि आप कर पा रहे हो? सर, टैली के इसमें कंसेप्चुअली तो एरर कुछ नहीं होता क्योंकि सब अच्छे से पढ़ाया गया होता है, एडजस्टमेंट के पोस्टिंग्स वगैरह सब अच्छे से होते हैं, पर 3 आवर्स का जो टाइम रहता है, मेरे इसमें ऐसा हुआ था कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि 3 आवर्स में ख़त्म होगा, तो इसी वजह से सब घाई घाई में करते करते कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाते हैं माइनर। तो अभी जब से ये पेपर सॉल्विंग में आई थी, 1-2 दिन मेरे को वैसा ही प्रॉब्लम आया, उसके बाद में 2 आवर्स में सब सॉल्व होने लगा मॉप के साथ, मैम के साथ, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के ताकि आंसर्स दे सके मैम को, इसलिए जल्दी सॉल्व कर रहे थे, तो उसकी वजह से 2 आवर्स में पेपर कंप्लीट हो जाता था, और मुझे खुद को ही बिलीव नहीं हो रहा कि जो 3 आवर्स में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि पेपर हो जाएगा, वो 2 आवर्स में ख़त्म हो रहा है अभी। तो अभी आप बोर्ड एग्ज़ाम को अभी आप कैसे देख रहे हो, कैसे लग रहा है आपको कि बोर्ड एग्ज़ाम में जाने के बाद आप कैसे एग्ज़ाम लिख पाओगे? सर, अकाउंट्स का पेपर सॉल्विंग एक फ़न एक्टिविटी जैसे हो गया है, तो फिर अभी मज़ा आ रहा है सॉल्व करने के लिए, तो फिर बोर्ड्स में जाके वी आर एक्साइटेड कि हम सॉल्व करेंगे, टैली होगा। हाँ, प्रेशर नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आपको 12th अकाउंट्स का आपके लिए मजाक बन चुका है। मतलब ऐसे जाएंगे बस लिख के आ जाएंगे। वेरी गुड। आपका जनरली आपका टाइम कितना लग रहा है आपको सॉल्व करने में? 2 hours 30 minutes में आपका विद ऑप्शन सब हो रहा है। अच्छा, विदाउट ऑप्शन कितनी देर में कर लोगे आप? 2 घंटे में आराम से, 2 hours में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आपका कितने टाइम में हो रहा है पेपर? मेरा
मेरा भी 2 hours 30 minutes में हो रहा है, हो जाता है विद ऑप्शन। यस। अच्छा, आपको इसके पहले कैसे 3 hours में 80 मार्क्स का भी लिख पाते थे क्या आप फुल पेपर विदाउट ऑप्शन? नहीं, कुछ कुछ छूट जाता था, टैली नहीं होता था कभी कभी, टैली भी नहीं होता था, छूट भी जाता था। हाँ, तो अभी फुल होता है। और आपने ये 3 hours 10 days आपको डर लगता था? हाँ थोड़ा, मतलब पहले स्टार्टिंग में लगता था कि होगा कि नहीं 3 hours, कभी इतनी देर कभी बैठे ही नहीं हम क्लास में, है ना, इतने बैक टू बैक। आज आप अपने आप को एक बेहरे स्टूडेंट और एक नॉन बेहरे स्टूडेंट से क्या डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, क्या डिफरेंस लग रहा है? सर, बहरे का स्टूडेंट देखा जाए तो मेरे को जितने भी सम्स रहते हैं एडजस्टमेंट पूरा आ रहा है। और एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था जिसको वो बहरे का स्टूडेंट ने, वो कोई नॉर्मल सी क्लास में, तो उसको वो नहीं आता है जो कि मेरे को आता है। अच्छा, मतलब कुछ हार्ड एडजस्टमेंट रहेगी तो मेरे को आएगा, बट उसको नहीं आएगा, वो मेरे को पूछेगा कि इसका क्या है। हाँ, उसकी भी क्लास है। अच्छा, नाम मत लो। नहीं नहीं, नाम क्लास भी नहीं लूँगा, बट वो खुद मेरे पास आता है, मेरे को बोलता हाँ ठीक है तू बता तेरे को तेरा अकाउंट ज़्यादा अच्छा मेरे से। अच्छा, ये आपको, हाँ मेरे को बोलते हो, कैसा महसूस करते हो उस टाइम आप? या एकदम अच्छा, मतलब आ रहा है अभी कुछ तो भी आ रहा है। और मैं खुद 11th में बहरे में नहीं था, नॉर्मल क्लास में था, बट स्टिल मेरे को अभी लगता है मैं बहरे ही ये करना चाहता था। 11th से आते आप? 11th, मैं 11th में नहीं था इधर से। 11th से आते तो आप, हाँ, तो और ज्यादा परफेक्शन होता था। अच्छा, एक और क्वेश्चन उठता है बहुत बार कि सर हम 11th से नहीं डायरेक्टली 12th से क्लास लगाएंगे। नहीं नहीं, वो बहुत रॉन्ग है सर, क्योंकि 11th पूरा आपका ये है बेस, कभी आपको बेस ही पता नहीं है तो आपको 12th में आके फायदा नहीं सच में। क्योंकि मैं खुद 11th में था बट बहरे में नहीं था, नॉर्मल में था, बट मेरा बेस था इतना भी ये नहीं था, बट ठीक था, तो बहरे में आके और अच्छा हो गया। तो क्लास लगाना चाहिए 11th में, क्लास मस्ट है अकाउंट्स के लिए तो मस्ट है, क्योंकि सब आपको पूरा पूरा बेस आपका 11th है। जो कॉन्सेप्चुअल क्वालिटी बहरे स्टूडेंट्स के पास है वो नॉन बहरे स्टूडेंट्स के पास नहीं होगी। बाहर के स्टूडेंट्स रट्टा वगैरह मार रहे होंगे, बट हमारे पास जो एग्जांपल से समझाया है और चार्ट बुक्स में भी जो ग्राफ्स वगैरह वो हमने ड्रॉ किए है, तो सोच समझ के उसके बाद ड्रॉ किए है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वालिटी में हमारे पास एडवांटेज होता है। तो आपको क्या रिकमेंडेशन है कि मतलब 11th से लगाना चाहिए, 12th से लगाना चाहिए, दोनों लगाना चाहिए? नहीं, 11th में बहरे क्लासेस लगाना चाहिए, स्पेशल अकाउंट्स और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, क्योंकि 11th कॉमर्स मतलब मस्ती में लेते हैं सब लोग ऑनेस्टली, कॉलेजेस वगैरह है। जब 12th में आते हैं और बोर्ड का प्रेशर ये होने लगता है। 11th का काफी ईजी था और 12th काफी मुश्किल, तो हाँ एक लेवल जंप होती है। और 11th में ऐसा भी हो सकता है कि कम पढ़ाई में ज्यादा मार्क्स आ सकता है, बट 12th में वो पॉसिबल नहीं है। और वही होप के साथ अपन ने 12th की भी स्टडी किया तो गड़बड़ हो जाएगा सर। यस सर। जब से मैंने ये सेशन वगैरह किए है तो क्या होता है ना कि जो दूसरे क्लास वाले हो या फिर जिसने नहीं लगाए, जिनको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन जब बाद में वो आके पूछते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात, मतलब सब सॉल्व करना आता है, क्लास लगाने की वजह से ना मेरे कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गए, और उसके बाद में ये सेशन करने के बाद तो और क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम आता था लेकिन अब मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत क्लैरिटी से बताना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड ऐसा रहता है काफ़ी क्लासेस में या जैसे भी रहता है, 10 ईयर का एग्ज़ाम पेपर वो भी बोल के देते हैं लेकिन सॉल्व नहीं करवाते, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो कौन बताएगा? यूजुअली ऐसा होता है कि वो पेपर्स तो वो दे देते हैं, पर कहते हैं कि आप अपने अपना सॉल्व करो और चेक करने लेके आ जाओ, पर यहाँ पर मैम के साथ पेपर सॉल्विंग हो जाता है और मैम को आंसर्स बताने के लिए हम लोग बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं और वो टैली फास्ट भी हो जाता है, इससे हमारा टाइम भी बहुत टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे हो मतलब कि हम सिर्फ पेपर नहीं देते हैं, पेपर के साथ क्लास में बैठ के हर एक क्वेश्चन को इन डिटेल सॉल्व भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ पेपर ले लो सॉल्व करो क्लास में बैठा के, ऐसा नहीं कर रहे ना? आपका क्या ओपिनियन है मतलब कि बहरे और नॉन बहरे स्टूडेंट में आपका क्या एक्सपीरियंस और क्या आपका इनपुट रहा, आपको क्या लगा कि डिफरेंट है या कि आपके, हाँ इसके बारे में पहले बताइए। मैं 11th से ही बहरे क्लासेस में हूँ और सब बेसिक सब कुछ क्लियर है और सब सॉर्टेड है, तो और सब क्लास अटेंड भी किया, 2 ऑनलाइन किया पर सब कुछ अटेंड किया, और अभी भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ। और कुछ हार्ड एडजस्टमेंट्स आते हैं तो बेसिक रूल होता है कि एक तो डेबिट करना है और एक क्रेडिट करना है, तो उस बेसिक रूल से भी अगर हमने सम सॉल्व किया तो बैलेंस शीट टैली हो जाती है। अच्छा, आपने ऑनलाइन क्लासेस किया, इसके बारे में क्या है? जनरली एक जूम की क्लास होती है, जूम के साथ आप पूरा बताइए कि हमारे यहाँ जूम क्लासेस होती है, कैसा होता है उसके बारे में बताइए। हाँ, टीचर वगैरह दिखते हैं कि नहीं दिखते ऑनलाइन? सब दिखता है, सब क्लियर होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो बाद में रेफर करने के लिए वो कन्वीनियंट होता है, फिर रिवीजन लेक्चर्स भी अपलोड किए जाते हैं इफ़ किसी ने क्लासेस नहीं अटेंड किए तो, वो भी बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं बाद में। आप ये बोलना चाहते हैं कि जो
जो लेक्चर होते हैं, जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेक्चर्स होते हैं, वो इस जूम में नहीं होते हैं। हमारा खुद का एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसमें प्रॉपरली टीचर भी दिखता है और जो लिखाया जा रहा है ऑन स्क्रीन, स्क्रीन में हमारा लैपटॉप, राइटिंग लैपटॉप्स में हम लोग लिखते हैं, तो आपको क्लियरली विजिबल रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। कभी आए या कभी नहीं आए तो भी आपका काम चल जाता है अच्छे से, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप अच्छे से देख लेते हो। और आपने एक और फोकस किया बताने की कोशिश की कि हर चैप्टर का हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है रिविज़न लेक्चर, तो हर चैप्टर का रिविज़न होने से क्या होता है कि स्टूडेंट को कभी भी इनकेस कोई डाउट आया या कि कुछ ऐसा लग रहा है कि याद नहीं आ रहा वो चैप्टर, तो आप उसको वन आवर में रिवाइज करने से आपको बेनिफिट होता है। हाँ, वो उसमें वो रिवीजन लेक्चर्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और रिवीजन लेक्चर्स मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ाया, वो रिवीजन लेक्चर्स भी बहुत डिटेल होते हैं। एक और क्वेश्चन है कि आपके पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है या कि आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं घर में, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत डांस करके पढ़ाते हैं, थोड़ा गाना गा के पढ़ाते हैं। गाना मतलब वो वाले सॉन्ग्स नहीं है, स्टडी के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सो इसके बारे में आपके घर के पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, कौन बोलेगा? एनीवन, पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है आपके? सर, पेरेंट्स को भी ये टीचिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि उनके टाइम पे टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे, तो उनको डाउट पूछने में, थोड़ा एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था। पर इधर सब एंजॉयमेंट के साथ, मस्ती मजाक के साथ पढ़ते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि बस मस्ती मजाक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। पर ये टीचिंग टेक्निक्स से पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, मतलब बच्चों को समझ के, उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करके, उनके लेवल से सब बात वगैरह करके पढ़ाते हैं इसलिए। तो ज्वाइन करने से पहले क्या आप लोगों किसी को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पास, एक साथ सबको पूछ रहा हूँ, क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि यहाँ ऐसा कुछ पढ़ाया जाएगा इस टाइप से, इस लैंग्वेज में? नहीं। आपको क्या लगा था, एक ट्रेडिशनल सिस्टम से जो पढ़ाया जाता है, टीचर आएगा अपना पढ़ा के चला जाएगा, निकल जाएगा? ओह अच्छा, और किसी को पेरेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करना है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं आपको घर में? सर, मैं पिछले साल ऑनलाइन चल रहा था हमारे 11th वाला, तो मैं सब देखता था लेक्चर्स, तो पेरेंट्स भी कभी कभी आके बैठ जाते थे देखने को क्या चल रहा है। फिर आपका वो टेट पिक्स पावना वाला लेसन, वो तो उन्हें भी याद हो गया था अब। आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं? आपके पेरेंट्स, मैंने सुना है, बोलते हैं कॉलेज मत जाओ, लेकिन देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आप बोल रहे हैं, मैं कॉलेज का नाम भी नहीं लूँगा, ऐसे मत किया करो, लेकिन बोल रहे हैं, है ना, इसके बारे में क्या बोलेंगे? मेरे डैड CA है, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में CA पूरा पास कर दिया है, तो मैं भी अब कॉमर्स फील्ड में हूँ, मैं भी अब CA परस्यू करने वाला हूँ। तो मेरे डैड बोल रहे हैं कि आप कॉलेज मत जाओ, कॉलेज में ऐसा भी कुछ नहीं होगा, क्लास से हो जाएगा सब। तो क्लास में भी अगर उन्होंने सर की और मैम की ट्रिक्स देखी कि कैसे पढ़ाते हैं, तो वो बहुत इंप्रेस हुए कि कैसे मेमोरी टेक्निक्स है या कैसे है, जैसे कि अब डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड के लिए टेट पिक पावना है, या डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई के लिए गेट पिक नो है, ऐसे बहुत सारे मेमोरी टेक्निक है, इसलिए वो याद हो जाता है। तो उन्हें भी वो पसंद आया कि वो याद हो जाता है मेरे बच्चे को, और वो लिख पा रहा है वो पेपर में, इसलिए वो बहुत खुश है। तो क्या वो कंसेप्चुअल है कि बस ये मेमोरी टेक्निक ही है, एक बार वो बता दी? नहीं नहीं नहीं, वो कंसेप्चुअल भी है, तो अब मेमोरी टेक्निक तो बता दी, पर उसे कैसे यूज़ करना है ये भी बताया जाता है। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि टेक्स्ट बुक से भी सिखाते हैं। उसके अंदर कंटेंट कैसे लिख पाते हो? उसके मेमोरी टेक्निक के इधर ही उसका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, क्या है वो। अगर अब जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमने देखा, तो उसमें एक है कि एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस से डिमांड कैसे डिटरमाइन होती है ये भी बताया जाता है। तो उधर डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे कि क्या होता है ये, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस क्या है। वेरी गुड, और किसी को मॉम डैड का एक्सपीरियंस बताने के, उनको क्या लग रहा था? हाँ सर, मैं यहाँ पे नहीं रहती, तो मेरे मॉम डैड दूर रहते हैं यहाँ से बहुत, तो हम मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं होगा, दूर है, क्लास नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें क्लास के वजह से मेरे पे भरोसा आ गया कि नहीं वो अच्छा सिखाते इसलिए क्लास में जाती, वरना मैं पहले ऐसा होता था कि नहीं मुझे बहुत आलस आता है, लेकिन अभी मैं एक हद बार भी मिस नहीं करती कि नहीं ये चला गया तो आज तो पूरा मज़ा ही चला गया, फिर आज का पढ़ना ही चला, टॉपिक ही चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मज़ा आता है। और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है, मतलब मेरे रिजल्ट बहुत बढ़ गए, क्योंकि मेरे पहले नहीं होता था, मैं थोड़ी वीक थी, लेकिन जब से क्लासेस वगैरह लगाए तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है। अच्छा, मतलब आप बोलना चाहते हो क्लास आने का बहुत मन करता है, लगता है ये, हाँ कुछ लोग बोलते थे ये सेकेंड होम है आपका, कुछ इसके बारे में और किसके बारे में, पेरेंट्स के बारे में एक्सपीरियंस बताओ। ये सेकेंड होम इसलिए है क्योंकि मैं भी CA परस्यू कर रही हूँ, तो हम लोग सुबह भी यहाँ पर आते थे, दोपहर तक यहाँ भी होते थे, और शाम को वापस यहाँ आते थे, अप्रॉक्सीमेटली 8 or 9 o'clock तक हम लोग यहीं रहते थे, इसलिए दूसरा घर ही हो गया था हमारा ये। अच्छा, कभी बोर हुआ या नहीं?
नहीं ऐसा कभी लगा कि चलो आज छुट्टी मार देते हैं नहीं आते? नहीं ऐसा नहीं हुआ कभी, तो छुट्टी मार ऐसा लगता था कि आज का फन और ये पढ़ाई सब कुछ मिस हो जाएगा। आपके पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है? मेरे पेरेंट्स पहले तो लाइक मैंने क्लास भी इसी साल लगवाया था, लाइक ट्वेल्थ में लगवाया था, इलेवेंथ में मेरी पढ़ाई होती रही थी, बट यहाँ पे लगा जब से लगाया तब से मार्क्स थोड़े इम्प्रूव हो गए, तो मेरे पेरेंट्स से खुश है कि बाबा इसको यहाँ पे भेज दिया तो अच्छा हो रहा है अभी। अच्छा आपका आपने इलेवंथ यहाँ नहीं लगाया था, तो कहीं भी लगाया था कहीं नहीं लगाया था? नहीं लगाया था। अच्छा आपको क्या लगा ट्वेल्थ में ज्वाइन करने के बाद, इलेवंथ लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना? हाँ लगाना चाहिए था क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी सारे थे, तब अगर मैं लगा लेती तो आज मेरे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर हो जाते। अच्छा आप अपने जूनियर्स को फिर क्या रिकमेंड करोगे कि ये जो मस्ती में निकाल देते हैं कि नहीं लगाएंगे इलेवंथ देख लेंगे, तो ये क्या है? अगर उन्होंने लगाया दैट वुड बी रिकमेंडेड कि हाँ लगाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लगाएं, हम मैं तो यही बोलूंगा उनकी स्टडी होनी चाहिए, जहाँ लगाना हो लगाएं लेकिन इलेवंथ लगाना चाहिए। इलेवंथ में मैंने ऑनलाइन किया था, तो जनरली मेरे पेरेंट्स का ओपिनियन था कि ये मतलब पता नहीं था मेरे क्लासेस क्या है ऐसा, मैंने डेमो लेक्चर्स करके ज्वाइन किया था क्लासेस, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि इनकी टेक्निक्स इनके मेमोरी टेक्निक्स वगैरह ऐसा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है, तो उन्होंने उनको मेरे ऊपर भरोसा हो गया कि अब ट्वेल्थ में ऑफलाइन हुआ है तो ये क्लास को जाएगा, मतलब रेगुलर क्लासेस अटेंड करेगा ये। तो मेरे पेरेंट्स को ओपिनियन था कि लगाना है तो बेरे क्लासेस ही लगाना है, बेरे क्लासेस हमारी फर्स्ट चॉइस थी, और इधर आके मेरे पापा ने देखा कि कैसे टेक्निक्स है वगैरह, सर ने भी बताया कि बहुत अच्छे से हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, और एक्चुअली मुझे तो ट्वेल्थ में क्लास लगाना था और सीए का भी उसके साथ ही लगाना था, पर सर ने समझा कर पापा को बताया कि इलेवेंथ बेसिक होता है इसलिए इलेवेंथ से ही अगर क्लास लगाए हम उसको तो बेनिफिशियल है, तो मैंने इलेवेंथ से ही इधर से स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है इधर, और सर और मैम बहुत कंफर्ट जोन में हमें पढ़ाते हैं, हमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है। मैं प्रॉपर पुणे की नहीं हूँ, मैं बाहर से, ऊपर मम्मी पुणे से है, तो मम्मी को पता था बेरे क्लासेस बहुत पुराने हैं पुणे में, इसलिए पुणे बहरे क्लासेस ही लगाने थे, और जब बहरे क्लासेस लगाए उसके बाद समझा मेरी मासी भी बहरे क्लास में थी 20-22 इयर्स पहले। ओह माय गॉड। अच्छा और किसके किसके पेरेंट्स जो है बहरे क्लासेस में थे, पेरेंट्स बहरे क्लासेस में थे, उनका क्या एक्सपीरियंस था ये लीजिए। सर मेरी माँ 25-30 इयर्स अगो बहरे क्लासेस में थी, वो बहरे सर से ही पढ़ती थी, और उनको मालूम था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना है उधर, और उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया, उन्होंने बोला फर्स्ट चॉइस तो ये है इधर ही तेरे को एडमिशन लेना है, और जब मैंने लिया तब मैंने भी नोटिस किया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिफरेंस भी नोटिस किया, बाकी के क्लास के मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं उनके साथ मतलब अटेंशन नहीं मिलता, पर्सनल अटेंशन बहुत स्ट्रिक्ट होता है किन किन क्लासेस का टीचिंग स्टाइल, इधर क्वालिटी भी मिलता है अटेंशन भी मिलता है कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते हैं, इसलिए यही बेस्ट चॉइस थी। सर मैं यहाँ पे इलेवेंथ में नहीं थी, मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में यहाँ पे आई हूँ, मुझे अकाउंट्स ये सब्जेक्ट पता ही नहीं था इलेवेंथ में, बट यहाँ पे जब मैं आई तब मेरा अकाउंट इतना अच्छा हुआ ना, मुझे अभी सब आता लाइक इस क्लासेस टेन डेज सेशन से तो बहुत मदद मिलेगी मुझे। क्या आप रिकमेंड करोगे अपने जूनियर्स को, दो जूनियर्स हैं आपके, एक हैं अभी जो 11th स्टैंडर्ड में हैं जो अभी 12th में जाएंगे, तो उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे? रेज योर हैंड जो उससे बड़ा हो। एंड सेकंड जो अभी 10th में है, तो क्या उनको 11th से ही क्लासेस लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? मार्क्स एक्सपेक्टेशन आपके कितने हैं? सर 95 एंड अबव। 95 एंड अबव। 100 किसके हैं? अकाउंट्स में तो 100 है। अकाउंट्स में 100 किसको किसको एक्सपेक्टेड है यहाँ पास? अकाउंट्स में एक्सपेक्टेड 100। अच्छा 90 प्लस किसको किसको एक्सपेक्टेड है? 100 वाले भी रेस कर लें। 90 प्लस एक्सपेक्टेशंस, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पास ठीक है, बहुत कम स्टूडेंट आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पास कौन सा कंडीशन लगाया गया है, 3000 रुपीज, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा रिफंडेबल था, तब भी स्टूडेंट ने हेजिटेट किया, डर था पता नहीं किस चीज़ का, लेकिन क्लास को नहीं आया कि उनको किस चीज़ का मेन डर था कि 10 डेज 3 आवर्स बैक टू बैक वो कैसे बैठेंगे। कोई प्रॉब्लम? नहीं। सो थैंक यू सो मच, सी ऑल, बाय बाय।